अगर आपके पास एक मोबाइल है और आप डेली का $10 तक अर्न करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक क्लास में देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान मेथड लेकर आई हूं अर्निंग का, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत है। सारे का सारा काम आपने मोबाइल से करना है, मोबाइल से करके ही मैं आपको बताऊँगी। बहुत ही आसान बच्चों वाला काम है, बल्कि ये एक ऐसा काम है जो हम डेली बेसिस पे करते भी हैं। लेकिन इस काम को करते हुए पैसे आप किस तरह से अर्न कर सकते हो, आज हम वही आपको जो है वो सिखाएंगे। और मज़े की बात यह है कि आप जैज कैश से बआसानी अपनी पेमेंट्स को निकलवा भी सकते हैं। ठीक हो गया, मैंने आपसे कहा है कि आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए, ठीक है, और जैज कैश से आप पैसे निकलवा सकोगे। डेली बेसिस पे आप ये काम करते भी हो। वो क्या काम है? आप पिक्चर्स लेते हो मोबाइल से, है ना। हर कोई आजकल के दौर में मोबाइल से पिक्चर्स, डेली बहुत सी पिक्चर्स ले लेता है। लेकिन अगर आप मोबाइल से पिक्चर्स लेके अर्निंग कर लो तो ये कितने ही मज़े की बात होगी। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि मोबाइल फ़ोन से पिक्चर्स लेके आप किस तरह से सेल करके डेली का $5, $10, $15 आराम से जो है वो अर्न कर सकते हो। वीडियो को कम्प्लीट आप लाजमी देखना, सारे स्टेप्स आपको समझाऊँगी। आपने पिक्चर्स को लेना किस तरह से है, किस तरह से अपलोड करना है, कितनी डेली की पिक्चर्स आप अपलोड करोगे तो आपकी अर्निंग्स के जो बढ़ने के चांसेस हैं वो और होते जाएंगे, ठीक है। सारी डिटेल मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिस्मिल्लाह करते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। बिस्मिल्लाह पढ़ के आपने आ जाना गूगल पे। गूगल पे लिखना है आपने शटर स्टॉक। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसे आप लिंक पे क्लिक करोगे आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ जाओगे। शटर स्टॉक क्या है? शटर स्टॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बेतहाशा लाखों की तादाद में अलग अलग टॉपिक्स पे यहाँ पे पिक्चर्स और वीडियोज़ मिलती हैं, जिनको लोग अपने प्रोजेक्ट्स में, अपनी वीडियोज़ में यूज़ करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी पेड हैं, हमें पैसे देने पड़ते हैं तब यहाँ से जो है वो हम पिक्चर्स को ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हमने पिक्चर्स को लेना नहीं, बल्कि हम यहां पे अपनी पिक्चर्स को सेल करेंगे और वहां से हम अर्निंग करेंगे। अब यहाँ पे सिंपल मैंने लिखा है कि भैया कैट की पिक्चर जो है वो मुझे दिखा दो। जैसे मैं कैट की पिक्चर पे क्लिक करती हूँ तो मेरे पास 4 मिलियन प्लस यहाँ पे कैट की पिक्चर्स आ गई हैं, 40 लाख कैट की पिक्चर्स आ गई हैं। अब ये अलग अलग लोगों ने यहाँ पे ये पिक्चर्स जो है वो अपलोड की हुई हैं। अब यहाँ से कोई बंदा यहाँ पे इसको ओपन करता है, उसको जो पिक्चर चाहिए वो सिंपली उस पर क्लिक करेगा। जब भी वो उसको डाउनलोड करेगा उसको जो है वो पैसे देने पड़ेंगे, ठीक हो गया। अब जब वो बंदा पैसे देगा पिक्चर को डाउनलोड करने के, अगर वो पिक्चर मैंने लगाई हुई है तो मुझे उसमें से पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर किसी और बंदे ने लगाई हुई है तो उसको पैसे मिल जाएंगे। जब जब उसकी पिक्चर डाउनलोड होगी उसको पैसे मिलेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड पिक्चर्स नहीं, सिंपल पिक्चर भी अवेलेबल हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है कि भाई एग को बीट करते हुए मुझे एक पिक्चर दे दो, ठीक है, तो यहाँ पे बेतहाशा पिक्चर्स आ जाती हैं। मतलब आप घर बैठ के भी यहाँ पे पिक्चर्स, इस तरह की भी पिक्चर्स लेके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। आप किचन में कोई काम कर रहे हो, आप सिंपली पिक्चर लो अपने मोबाइल से, एक अच्छे से पिक्चर लो, यहाँ पे लगा दो, जब भी डाउनलोड होगी पैसे मिलेंगे, ठीक है। आप घर में हो, किसी भी चीज़ की आप फ़ोटो खींचो, आपको कोई बिल्ली नज़र आई है आप उसकी पिक्चर लो। अगर आप घर से बाहर जाते हो डेली बेसिस पे, आप किसी दरख्त की पिक्चर ले लो, या आप बादलों की ले लो, आसमान की ले लो, खेलते हुए बच्चों की ले लो, ठीक है, किसी परिंदे की पिक्चर ले लो। मतलब यहाँ पे इस तरह की सिंपल से सिंपल पिक्चर्स भी सेल आउट होती हैं। अगर मैं बहुत ही सिंपल चीज़ लिख रही हूँ कि यहाँ पे भाई मुझे एक ग्लास का जूस का एक ग्लास जो है वो दिखा दो, ठीक है। अब किसी को अपनी वीडियो में एक जूस के ग्लास की जो पिक्चर है उसको लगाना है, वो शटर स्टॉक पर आएगा, यहाँ से पिक्चर्स देखेगा, जो पिक्चर उसको पसंद है वो सिंपली उसको डाउनलोड करेगा, और जब वो डाउनलोड करेगा उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। वो उस पहले पेमेंट करेगा तो वो डाउनलोड करेगा। अब आप जो है वो सिंपली एक ग्लास में जूस डाल के एक अच्छी सी मोबाइल से पिक्चर ले लो। अब क्योंकि इसके पीछे बैकग्राउंड नहीं है तो बैकग्राउंड रिमूव करना भी मैं आपको बताऊँगी, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। वीडियो के एंड में मैं आपको सिखाऊँगी कि आप किसी भी पिक्चर से बैकग्राउंड को रिमूव कैसे कर सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पर काम सीखेंगे कि हम यहाँ पर अपने मोबाइल से तस्वीरें खींच के यहाँ पे किस तरह से बेचेंगे। सिंपली आपने पेज को स्क्रॉल डाउन करके सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको पार्टनर वाली ऑप्शन नजर आ रही है। सबसे पहला ऑप्शन है सेल योर कंटेंट, इस पे मैं क्लिक करूंगी। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगी
मेरे पास एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है कि आप शटरस्टॉक पे अपनी तस्वीरों को बेच के किस तरह से पैसे अर्न कर सकते हो। सबसे पहले लिखा है कि आप क्रिएट करो पिक्चर्स को, और सेकंड ऑप्शन है आप वीडियोस को भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे सबमिट करना है। इनकी टीम पहले उस पिक्चर को जो है वो रिव्यू करेगी, फिर उसको जो है वो ओके करेगी, उसके बाद हमें उसकी पेमेंट मिल जाएगी। जब जब पिक्चर डाउनलोड होगी तब तब हमें प्रॉफिट मिलेगा हमारे पिक्चर से। मतलब ये एक लाइफ टाइम अर्निंग है। मैंने पिक्चर एक दफ़ा लगा दी, ठीक है, जब जब डाउनलोड होगी तब तक मुझे पैसे मिलेंगे। यहाँ पे गेट स्टार्टेड के ऑप्शन है। सिंपली मैं गेट स्टार्टेड के ऑप्शन पे जैसे जाऊँगी ये एक फॉर्म आ जाएगा, इसको हम फिलअप करेंगे। आपने अपना फुल नेम लिखना है, डिस्प्ले नेम आपका वही होगा जो आप फुल नेम डालोगी, ईमेल एड्रेस देना है, आपने पासवर्ड देना है, आई एम नॉट अ रोबोट। और इस फॉर्म को आप जैसे सबमिट करोगे, आपने जो ईमेल यहाँ पे प्रोवाइड किया वहाँ पे एक एक्टिवेशन लिंक आएगा, आपने उसको एक्टिवेट कर लेना है। उसके बाद आपसे मजीद ये इन्फॉर्मेशन मांगेंगे कि आप अपना एड्रेस लिखें, सिंपली आपका कंट्री एड्रेस, सिटी, जिप कोड आपका, और आपकी स्टेट क्या है, फ़ोन नंबर देना है, और आपने यहाँ पर सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे अब ये नेक्स्ट कह रहे हैं कि अब आपका अकाउंट जो है वो रेडी है और यहाँ पर आप जो है वो अपलोड कर सकते हो अपनी इमेजेस को, वीडियोज़ को, और हर इमेज के डाउनलोड होने पर आपको जो है वो यहाँ से पैसे मिलेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो है वो उसके मेन इंटरफेस पर आ गए हैं, ठीक है। इसके मेन इंटरफेस पे क्या लिखा है कि आप जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, जिस भी पिक्चर या वीडियो को आप अपलोड करना चाह रहे हो, या सिंपली आप जो है वो यहाँ से सेलेक्ट मल्टीपल फाइल्स वाली ऑप्शन पर जाओ। आप सिंपली अपने फ़ोन की गैलरी में आ जाओगे, यहाँ से आपने उस पिक्चर को जो है वो सिलेक्ट कर लेना जो आपने इमेज अपने फ़ोन से ली हुई है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक इमेज को ले लिया है। मेरे पास एक ड्राई फ्रूट्स की प्लेट थी, उसकी मेरे पास एक इमेज जो है वो एक अच्छी सी पड़ी हुई थी, यहाँ पे मैंने उसी को जो है वो अपलोड कर लिया है। जैसे यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी, यहाँ पे मज़ीद थोड़ी सी इसकी डिटेल्स हमें ऐड करनी है। नीचे लिखा आ रहा है स्टार्ट एडिंग डिटेल्स, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगी और यहाँ पे राइट साइड पे जो है वो मैं देखूँगी कि यहाँ पे ये मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं जो कि मैंने ऐड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले मैं उस पिक्चर को सिलेक्ट कर लूँगी जिसकी मैंने डिटेल्स यहाँ पे ऐड करनी है। जैसे मैंने अपने पिक्चर को सिलेक्ट किया, यहाँ पे इमेज टाइप आ रहा है क्योंकि फ़ोटो है मेरे पास, यहाँ पे फ़ोटो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हुआ है, आपने इसी को रहने देना है। यूजेज क्या रखना है, आपने कमर्शियल यूज़ रखना है, एडिटोरियल नहीं रखना, नहीं तो वो फ्री में डाउनलोड हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की एक प्लेट है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि मेरे पास भाई क्या है, इमेज ऑफ ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है, इन प्लेट, ठीक है। आपने जो भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहे हो सिंपली आपने उसकी छोटी सी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे देनी है। उसके बाद कैटेगरी क्या है, क्योंकि ये खाने की चीज़ है तो यहाँ से मैं फूड एंड ड्रिंक को सिलेक्ट कर लूँगी। कैटेगरी 2 ऑप्शनल है, लोकेशन ऑप्शनल है, आप उसको छोड़ दें। नेक्स्ट यहाँ पे हमसे कीवर्ड्स मांग रहे हैं। कीवर्ड्स क्योंकि फूड से रिलेटेड है, ठीक है, ड्राई फ्रूट से रिलेटेड है, तो इसी तरह के कीवर्ड्स मैंने लगाने हैं यहाँ पे। आप कोई भी इमेज ले रहे हो, आपने उसी से रिलेटेड कीवर्ड्स जो है वो यहाँ से ले लेने हैं। यहाँ पे मैंने मेहंदी लिख दिया क्योंकि मेहंदी में भी ये थाल यूज़ होता है, ठीक है। कुछ ये डेकोरेशन से रिलेटेड है, फूड से रिलेटेड है, डेट्स मैंने लिख दी हैं, इसमें खजूरें हैं, स्टाइलिंग है, ठीक है, ट्रेडिशन है क्योंकि ये एक त्यौहार में यूज़ होती है। तो इस तरह के आपने भी जो भी पिक्चर यहाँ पे अपलोड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपने जो है वो कीवर्ड्स जो है वो सोच के यहाँ पे लगा देने हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जो है वो मैं अपने कीवर्ड्स को लिख रही हूँ। आपने यहाँ पे मिनिमम 7 कीवर्ड्स लिखने हैं, मैक्सिमम आप 50 कीवर्ड्स जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे अपने सारे के सारे कीवर्ड्स लिखे, अपनी सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने सबमिट कर दी। इन्फॉर्मेशन क्या है, सिंपली मेन कीवर्ड्स ही हैं यहाँ पे, या आपने अपनी इमेज को कमर्शियल जो है वो सिलेक्ट करना है ताकि जो है वो हर डाउनलोड पे आपको जो है वो पैसे मिले। सारे के सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लगाने के बाद अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, सिंपली आपने क्या करना है, अपनी इस इमेज को आपने सारी चीज़ें देख लेनी है एक दफ़ा कि मैंने सारी चीज़ें सेट कर ली हैं यहाँ पे। आप सिंपली क्या करो, आप अपनी पिक्चर को यहाँ पे सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि फ़ौरन से पिक्चर जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। शटरस्टॉक पे फ़ौरन हमारी इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी, बल्कि क्या है, यहाँ पे जो है वो हमारी पिक्चर को वो देखेंगे, रिव्यू करेंगे कि उसकी क्वालिटी अच्छी है,
ठीक है, पिक्चर एक प्रॉपर है तो जो है वो हमारे पिक्चर को एक्सेप्ट जो है वो करेंगे। ये कह रहे हैं कि हम जो है वो 15 जो आप 10 से 15 आइटम्स भी एट अ टाइम आप कर सकते हो, रिव्यू के लिए दे सकते हो। ये कह रहे हैं कि आपको नेक्स्ट फ्यू डेज़ में आपको जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर देंगे आपकी इमेज से। अब आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक इमेज नहीं बल्कि आपने 10-15 डेली की इमेजेस यहाँ पे डाल देनी है। सबमिट मोड वाले ऑप्शन पे आप आओगे तो सिंपली आप यहाँ से मज़ीद पिक्चर्स जो है वो अपलोड कर सकते हो। एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो है वो हाई क्वालिटी इमेजेस डालनी है। अब हम पेमेंट का मेथड देख लेते हैं। सिंपली यहाँ पे लिखा रहा है कि आप अपनी पे आउट डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइड करें। जैसे आप पे आउट डिटेल्स वाली ऑप्शन में आओगे, ये ड्रॉप डाउन एरो में पायनियर और पेपल और स्क्रॉल की ऑप्शन है, हम जो है वो पायनियर की ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ पे कनेक्ट अकाउंट वाली ऑप्शन पे आप जब क्लिक करोगे, सिंपली आपने पायनियर की आईडी जो है वो यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, पायनियर से बनाने का क्या फ़ायदा कि पायनियर से हम डायरेक्ट जैसकैश में अपना बैलेंस जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आउट की ऑप्शन भी बहुत आसान है। मिनिमम आपके पास जो है वो $25 होंगे तब आप यहाँ से जो है वो पे आउट निकलवा सकोगे। पायनियर का अकाउंट बनाना बहुत ही आसान है। आप YouTube पे बहुत से ट्यूटोरियल्स भरे पड़े हैं, आप कहीं से भी वीडियो देख के आप पायनियर का अकाउंट सिंपल ईमेल आईडी देके आप जो है वो बना सकते हो। ठीक हो गया, यहाँ पे हमने पेमेंट की ऑप्शन भी देख ली कि हम किस तरह से पेमेंट्स जो हैं वो निकलवा सकते हैं अपने जैज कैश में। मज़ीद आपने पिक्चर्स अपलोड करनी है, आपने दोबारा अपलोड योर कंटेंट वाले ऑप्शन पे आ जाना है और आपने जिस तरह से मैंने इमेज पहले वाली बताई है कि आपने किस तरह से अपलोड करनी है, सेम उसी तरीके से उसी पिक्चर के अकॉर्डिंग उसके कीवर्ड्स लगा के आपने जो है वो यहाँ पे डेली की 10-15 इमेजेस लगा देनी है। पिक्चर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए तभी उसके एक्सेप्ट होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। जब जब पिक्चर डाउनलोड होगी तब तब हमें जो है वो इसका प्रॉफिट मिलता जाएगा। अब शुरू में मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इस तरह के पिक्चर ले रहे हो कि जिसका बैकग्राउंड जो है वो नहीं है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपने सिंपली गूगल पे आने के बाद, ये एक वेबसाइट है रिमूव बीजी, जैसे आप लिखोगे रिमूव बीजी, ये जो फर्स्ट वाला लिंक है आप इसको जो है वो ओपन कर लोगे। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्लेटफॉर्म है, इजी टू यूज़ प्लेटफॉर्म है। आप सिंपल क्लिक में, वन क्लिक में आप यहाँ पे अपने पिक्चर को अपलोड करते हो जिसका बैकग्राउंड आप रिमूव करना चाहते हो और ये सिंगल क्लिक में आपकी जो है वो पिक्चर को बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। यहाँ पे अपलोड इमेज की ऑप्शन है, यहाँ पे मैंने एक इमेज ले ली है जिसका बैकग्राउंड मुझे रिमूव करना है। अपलोड इमेज करने के बाद चंद ही सेकंड्स में ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर देगा और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।